आज की इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपका जियो फोन या फिर जियो का सिम गुम हो जाता है, तभी कंडीशन में अगर ऐसे टाइम पे गुम होता है कि आप जियो स्टोर विजिट नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने सिम को ऑनलाइन कैसे बंद कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरा जियो सिम रहेगा तो आप कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करेंगे और कॉल करके जो है तो अपने जियो नंबर को बंद करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जियो नंबर नहीं रहेगा दूसरा और आपका जियो फोन या फिर जियो मोबाइल गुम हो गया है, जियो सिम गुम हो गया है, आपकी कंडीशन में आप अपने जियो नंबर को टेम्परेरी रूप से कैसे ब्लॉक कर सकते हैं, कैसे बंद करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बंद करने के लिए यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपकी लगेगी, जैसे जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट या फिर ईमेल आईडी वगैरह, जो भी आपने सिम लेते हैं टाइम डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, अपनी डिटेल्स दी होगी, वही डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ऑनलाइन अपने सिम को बंद कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में तक, मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि जियो सिम को कैसे आप ऑनलाइन बंद करवा सकते हैं और सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपने सिम को चालू भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं हूं नीलेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुपर टेक्नोलॉजी में, आपसे का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपका जियो का मोबाइल या फिर जियो की सिम गुम हो जाती है, यानी चोरी हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, तभी कंडीशन में आपको तुरंत अपने जियो सिम को बंद करवाना होता है। अगर आप जियो स्टोर पर विजिट नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन अपने जियो के सिम को बंद करवा सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इस वेबसाइट पर आना है, जियो के सेल्फ केयर लॉस्ट लॉगिन पेज पर। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप सर्च करेंगे जियो सेल्फ केयर लॉस्ट लॉगिन, ऐसे आप सर्च करेंगे और फर्स्ट जो यहाँ पर आपके सामने वेबसाइट खुलकर आ जाएगा तो उस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा। अगर पेज नहीं मिलता है आपको ये, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये पेज का लिंक आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर लॉस्ट सिम लॉगिन, यहाँ पर पहले आपको लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जो मोबाइल नंबर आपका गुम हो गया है, और यहाँ पर देख सकते हैं सस्पेंड रिज्यूम एक्सेस पीयू के कोड ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं और यहाँ पर ये टेम्परेरी रूप से बंद होता है, उसके बाद आप चालू भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी मिल जाएगी, क्या कैटेगरी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है लॉस्ट लॉगिन में। जैसे डेट ऑफ बर्थ अगर आपके पास है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको अपनी ईमेल आईडी याद है तो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड आप अपनी यहाँ पर डालेंगे। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपका यहाँ पर पता है तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर, लिंक नंबर तो यहाँ पर लिंक नंबर डालेंगे। जैसे यहाँ पर हमारा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ हमें याद है तो हमने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया। उसके बाद कैलेंडर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ईयर मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ईयर पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐसे ईयर को स्क्रॉल करेंगे, ईयर को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मंथ मिल जाएगा, तो मंथ को ऐसे स्क्रॉल करके सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डेट पर क्लिक कर देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर कॉल नहीं कर पा रहे हैं, जियो की सिम अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर देखिए, अगर आप डायरेक्ट बंद करवा सकते हैं, अगर आपके पास कोई जियो सिम है तो इस नंबर पर कॉल करके या फिर जियो स्टोर पर विजिट करके भी बंद करवा सकते हैं। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आ जाएगा, और यहाँ पर वर्किंग मोबाइल नंबर और लिंक मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर जो भी रहेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। जिस भी नंबर पर, यहाँ पर आपको ओटीपी लेना होगा, जिस भी नंबर से आप ओटीपी लेना चाहते हैं तो ओटीपी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर 08 वाले नंबर से ओटीपी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना नंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट ओटीपी पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे नंबर पर ओटीपी सेंड किया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे नंबर पर ओटीपी आ गया, यहाँ पर हम ओटीपी डालेंगे। देन अगेन यहाँ पर हम सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप थोड़ा वेट करेंगे, यहाँ पर आप चेक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका जो पीयू के कोड है आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, इन केस योर सिम कार्ड इज ब्लॉक्ड, इंटर द पीओ के कोड टू रिसेट द पिन कोड, यहाँ पर आपको पीओ के कोड भी मिल जाता है, इस पीओ के कोड को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद सस्पेंड एंड रिज्यूम, यहाँ पर आई वुड लाइक टू रिज्यूम, यहाँ पर सिम लॉस्ट डिवाइस, इसको आपको सेलेक्ट करना है कि आपका जो है तो सिम गुम हो गया या फिर डिवाइस लॉस्ट हो गया। उसके बाद सबमिट करेंगे, उसके बाद यस करेंगे, और यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और उसके बाद आपका रिक्वेस्ट प्रोग्रेस में आ जाएगा और 15 मिनट के अंदर आपका जो सिम है वो सक्सेसफुली बंद हो जाएगा। और बंद होने के बाद यहाँ पर अगर आप इसको, अगर आपका मोबाइल मिल जाता है, सिम मिल जाता है, तो इसको आप ओपन भी करवा सकते हैं। आप इंस्टेंट जो है तो ऑन
लाइन इसे आप ओपन करवा सकते हैं, कस्टमर केयर कॉल पर, कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करेंगे तो वहां से भी आप अपने सिम को चालू करवा सकते हैं। या फिर अगर आप सेल्फ केयर लॉगिन के थ्रू भी चालू करना चाहते हैं अपने सिम को, तो सेल्फ केयर लॉगिन के थ्रू भी चालू कर सकते हैं और जियो स्टोर पर विजिट करके आप सिम को रिप्लेस भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जियो के सिम को या फिर जियो के मोबाइल सिम को आप ऑनलाइन बंद करवा सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मन में कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। नीली 0 9 4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक लीजिए, टेक केयर।